मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक के ऊपर। एक बड़ा फैसला आया है मायावती जी का, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और भी बड़ी अपडेट्स छुपी हुई है इस वीडियो में। एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ट्वीट है। ये ट्वीट है शादाब चौहान, जो की पीस पार्टी से आते हैं। ये एक मुस्लिम लीडर अपने आप को बताते हैं। इनका ये ट्वीट पढ़िए, वीडियो को पॉज करके भी पढ़िएगा, बाकी मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है, हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद में जब मूर्ति रखी गई थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और कानून मंत्री अंबेडकर साहब थे। हालांकि इस ट्वीट से ये जो शादाब चौहान है वो क्या बताना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, कि जब वो इनके अल्लाह के घर, भैया वो अल्लाह का घर तो कभी था नहीं, वो तो बुद्ध की नगरी साकेत थी और वहां पर मस्जिद से भी पहले, उस मकबरे से भी पहले वहां पर बौद्ध विहार था, ये तो हम भी दावा करते हैं। फिर तो इनका कहना है, उस अल्लाह के घर में जब राम की मूर्ति रखी गई थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और कानून मंत्री अंबेडकर साहब थे। हालांकि ये कटाश है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको लेकर क्या बोलते हो, जो ऑडियंस है नीचे कमेंट करके जरूर इसका उत्तर कमेंट में दीजिए इस शादाब चौहान को। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले जजमान थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन शंकराचार्यों के विरोध के बाद, या कह लीजिए कुछ और भी विरोध हो सकता है भैया, वर्ण व्यवस्था का विरोध हो या जाति व्यवस्था का विरोध हो, इसके बाद किसी अनिल मिश्रा जी को इसका जजमान बनाया गया है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, जो फेसबुक पे हमेशा बहुजन समाज के हित में लिखते हैं क्रांति कुमार, उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसमें उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, जो कि देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद पर बैठे हुए है, उनको राम मंदिर का जजमान क्यों नहीं बनाया। तो ये जरूर सुनिएगा अच्छे से। शंकराचार्य के विरोध के कारण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अब अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मुख्य जजमान नहीं होंगे। मुख्य जजमान होंगे डॉक्टर अनिल मिश्रा और पुजारी भी ब्राह्मण होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक ही जाति का वर्चस्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य जजमान से हटाकर उनका और ओबीसी समाज का अपमान किया गया है। बीजेपी को ओबीसी वोट नहीं मिलेगा, 2024 की राजनीति जंग बीजेपी हार जाएगी। तो भैया क्रांति कुमार जी का साफ साफ कहना है कि राम मंदिर में एक ही पार्टी का जजमान होगा। मिश्रा मतलब आप किस जाति से आता है समझ जाओ, ब्राह्मण जाति से। पुजारी ब्राह्मण जाति से। प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी पूरी मलाई खाएगा ब्राह्मण। और देश की लड़ाई लड़ी है कल्याण सिंह जैसे लोगों ने, उमा भारती जैसे लोगों ने, इनकी लड़ाई लगी है, लड़ी है मोदी जी से, प्रधानमंत्री जो कि ओबीसी से आते हैं। तो भैया ये क्या करेंगे, ये बनेंगे दूसरे नंबर के जजबा, पहले नंबर पे तो रहेगा ब्राह्मणी। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें SC ST और ओबीसी के लोग ना हो, ऐसा कोई भी दल नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, उसमें ओबीसी एससी और एसटी के जो नेता है उनका नेतृत्व ना हो। वो अब तो मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, होम मिनिस्टर भी बन रहे हैं, और सामाजिक कल्याण विभाग तो उनके पास रहता ही है, या फिर आप देख सकते हो बड़े बड़े मंत्रालय भी ओबीसी एससी और एसटी के पास है। लेकिन तब भी बहुजन समाज को दर दर की ठोकरी क्यों खानी पड़ रही है, क्यों आरक्षण से आए हुए ये एससी एसटी और ओबीसी के लोग बहुजन समाज की मदद नहीं कर पा रही है। वीडियो देखिए। ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें एससी एसटी ओबीसी के सांसद विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है? क्या वो गूंगे बहरे? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया था? क्या सबको इसीलिए वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया था कि आपके समाज की हकमारी हो और आप वहां गूंगे बहरे बन के गुलाम बन के बैठ जाओ? भाई एक बात बताओ, एक समय हम लोग पढ़ते थे, एक महाकाव्य था महाभारत, उसके अंदर पांडवों ने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया, और एक आज ऐसी सरकार है जो सत्ता पाने के लिए जिसने राम को दाव पे लगा दिया। दोस्तों, राजेंद्र पाल गौतम जी का साफ साफ कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अथक प्रयास किया, जो उन्होंने अपना समर्पण दिया, इनको रिजर्वेशन दिया, ये आज चुनकर संसद, विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह जा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, लेकिन तब भी आज वो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो पा रहा, जिसका कारण ये है कि किसी एक पार्टी के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। मतलब उस जिस पार्टी में ये रहते हैं उसी की विचारधारा फॉलो करते हैं, ना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की और ना ही बहुजन महापुरुषों की।
तो इसका कारण क्या हो सकता है इस डर का और इस गुलामी का, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर उत्तर दीजिए। और दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे राजेंद्र गौतम जी लगातार बहुत मुखर होकर बोलते हैं, उनका ये भी कहना है जिस प्रकार से पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था उसी प्रकार से क्या बोलते हैं राम भगवान को ये मोदी ने दांव पर लगा दिया है या फिर बीजेपी ने दांव पर लगा दिया है वोट लेने के लिए। तो अगली जो खबर है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बसपा ने अपनी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करी है जिसमें कई बड़े फैसले लिए हैं। आकाश हरुण जी ने आज एक के बाद कम से कम 3-4 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि लोकसभा का चुनाव बसपा के लिए लड़ने वाली है। अब ये बहन जी ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया है, यानी कि बहन जी अब किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि कुछ कयास लगाए जा रहे थे, बहन जी ने अपने बर्थडे के दिन बोला था कि राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका हमें न्योता आया है, हम वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे आगे हम इसका आपको बताएंगे। तो अब बहन जी ने क्लियर कर दिया है कि राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है या फिर राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है वहां पर बसपा का कोई भी पदाधिकारी एवं बहन जी खुद नहीं जाएगी, क्योंकि उनका कहना है बहुजन महापुरुषों की हम विचारधारा पर चलते हैं और हमारे लिए जो बहुजन महापुरुष है वही पूजनीय है, वही हमारे देवता है, हम उनके विचारों पर चलते हैं, बाकी हमारा किसी भी धर्म से कोई बैर नहीं है। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो कि धर्म निरपेक्ष है। हम राम मंदिर का भी स्वागत करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का भी स्वागत करेंगे, ऐसा मायावती जी का कहना है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या बोलते हो, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ऐसी खबरें देखने के लिए।